सरकारी एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल 2 दिनों के बाद बुधवार को समाप्त हो गई। हड़ताल के कारण मरीजों को खासी मुसीबतों का सामना उठाना पड़ा था। वहीं प्राइवेट एम्बुलेंस वाहनों के संचालकों की चांदी हो गई थी। निजी वाहन संचालकों ने मरीज की मजबूरी को देखते हुए मनमाना रेट वसूला। आपको बता दें कि गोरखपुर बस्ती मंडल के 102 व 108 सेवा के एम्बुलेंस चालक रविवार की रात से ही हड़ताल पर थे। जिले के एम्बुलेंस चालकों ने पिपरौली में एम्बुलेंस को खड़ा कर दिया और चालक वहीं पर धरने पर बैठ गए। बुधवार को अपनी विभिन्न मांगों पर समझौते के बाद एम्बुलेंस चालक वापस लौटे, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं बहाल हो गईं। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एस के तिवारी ने कहा। एम्बुलेंस चालक 102, 108 और ALS के जो जीवी के संस्था द्वारा रखे गए हैं और उनके द्वारा ये सेवाएं हमारे यहाँ दी जा रही हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में दी जा रही हैं। उनका हमारे शासन के स्तर पर उनके साथ MOU साइन है और उनको बताया गया है कि ये सेवाएं आपको देना है और आप इनका एम्बुलेंस का रखरखाव, एम्बुलेंस की अन्य व्यवस्था तथा वहाँ उसमें जो ड्राइवर है, जो उसमें ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र है, EMT कहते हैं वो है, ये सब को आप अपने स्तर से देखेंगे। तो उनकी शिकायत GVK से थी, शासन का वहाँ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, जिला प्रशासन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। उनकी शिकायत ये थी कि उनको पर ट्रिप पैसा दिया जाता है, जो कि वो मांग कर रहे हैं कि मुझे एक मिनिमम धनराशि दी जानी चाहिए। और दूसरी मांग उनकी थी कि उन्हें 8 घंटे ड्यूटी के लिए कहा गया था, कभी कभी उनको 12 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी लगाई जाती है। तीसरी मांग उनकी ये थी कि हमारे कुछ साथियों को निकाल दिया गया है, उनको पुनः रख लिया जाए। जो बात समझ में आई थी कि वो उनको इसलिए निकाला गया था कि वो मरीज़ों से, एम्बुलेंस से ले आने वाले मरीज़ों से पैसे लेते थे, और वो शिकायत उनके ऑफिसर्स को मिली, उनके ऑफिसर्स ने चेक किया, दोषी पाया और उनको निकाला गया था। इसी तरह छोटी छोटी उनकी कई और मांगें थी। 15,000 रुपये के लिए उनका बीमा होना, 15 लाख रुपये का उनका बीमा होना था, उसकी भी मांग उनकी थी कि आज तक हम लोगों का बीमा नहीं हुआ। इन सब चीज़ों को लेके वो हड़ताल किए थे। 23 और 24 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में थी, हमारे जनपद में भी दोनों दिन हड़ताल पे थे वो। फिर उनके GVK से उनके अध्यक्ष जो लखनऊ में हैं और महामंत्री, उन लोगों की बात हुई और उसमें समझौता हुआ है कि हम ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में चीज़ें सही कर देंगे, आप लोग वापस आ जाइए। और हम कल उनके पास गए थे तो हमारी भी बात मानकर और वहाँ की बात मानते हुए वो हड़ताल पे वापस हड़ताल से वापस आ गए हैं और सेवाएं इस समय बिल्कुल सामान्य हो गए हैं।